देखो भाई, Android 15 तो अभी जो ना फाइनली लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट डेवलपर प्रीव्यू वर्जन है, स्टेबल वर्जन अभी रिलीज नहीं हुआ। बट बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई Moto Edge 40 Neo के ऊपर में क्या हमें फ्यूचर में Android 15 देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो अभी तक जहां तक देखा जाता है Android 14 का भी कोई कंफर्म नहीं हुआ, बट हां एक्सपेक्टेड है कि हमें मिड ऑफ जून के अंदर में देखने को मिल जाएगा। बट बात करते हैं दोस्तों यहां पे Android 15 जो कि क्रेजी लेवल के, तगड़े लेवल के फीचर्स वगैरह आएंगे, काफी कुछ क्रेजी लेवल के चीजें आते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जाकर चेकआउट करो, सारा नॉलेज एंड्रॉइड के रिगार्डिंग आपको जो है एकदम मजा ऐसा आ जाएगा। भाई ये बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस पे जाकर के हमें जो ना जो Moto Edge 40 Neo है इसके ऊपर जो ना अगले साल का भी अपग्रेड दिया जा रहे वाला है। एंड ब्रांड ने जो ना इस पे प्रॉमिस किया गया कि हमें जो ना एंड्रॉइड 14 के साथ में एंड्रॉइड 15 भी यहां पे देखने को मिलेगा। जब बट बात करते हैं तो 15 कब तक आएगा? देखो अभी तक जितने भी टाइमलाइंस पे अभी चल रहा है ये सभी डेवलपर प्रीव्यू वर्जन चल रहा है, तो बीटा 2 चल रहा है, इसके साथ में बीटा 3 अलग अलग वर्जन आएंगे, बहुत सारे इश्यूज वगैरह आएंगे, उसको फिक्स करा जाएगा। एंड जो स्टेबल वर्जन है दोस्तों वो करीबन जाकर के हमें सेप्टेम्बर अक्टूबर के बाद में देखने को मिलेगा। एंड आप ध्यान में रख लो कि नवंबर के टाइम में आपको जो ना सबसे पहले गूगल पिक्सल के डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। एंड कहीं जाकर के दिसंबर या दिसंबर के एंड वीक तक आपको जो ना अलग अलग फोन में देखने को मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों Motorola का Moto Edge 40 Neo के ऊपर, Android 14 का अपडेट बहुत ही डिले हो रहा है। कहां पिछले साल ही 2023 के एंड वीक में रिलीज करा गया था, बट अभी तक जो है मिड ऑफ 2024 आने वाला है, अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ, तो इसका भी जो ना हमें अगले साल ही देखने को मिलेगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वाले वीडियो।